बॉर्डर पर तैनात आईटीबीपी की नई 7 बटालियन बनेगी। 9400 नए पद और एक सेक्टर हेडक्वार्टर की भी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 7 नई बटालियन और एक रीजनल हेडक्वार्टर के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 9400 नए पद भी बनाए जाएंगे। नई बटालियन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर भी बनाया जाएगा। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। मीटिंग की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। ठाकुर ने कहा कि भारत चीन की निगरानी कर रही आईटीबीपी अभी 176 बॉर्डर आउटपोस्ट की निगरानी कर रही है। उन्होंने बताया कि चीन के साथ लगी लंबी सीमा की निगरानी के लिए और सुरक्षा बल बॉर्डर आउटपोस्ट की जरूरत थी। 2025 से 26 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट BOP और 12 स्ट्रेटेजिक कैंप स्थापित करने वाले प्रस्ताव को सरकार ने जनवरी 2022 में ही अनुमति प्रदान की दी थी। इनका काम तेजी से चल रहा है। इनके लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी उसके लिए 7 नई बटालियन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियन आईटीबीपी की रेस करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए और आईटीबीपी की जो प्रमुख भूमिका है वो भारतीय चीन सीमा की निगरानी करना है। सो जो जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेज करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।